नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग में मेरा ब्लॉग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और घड़ी यहाँ आने में आप सबको दिखाती। और ये देखिए, सब अभी काम में लगी हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं काम कर नहीं रही थी। तो इस समय बज रहे हैं करीब 12:30 और आज है संडे। तो अभी मैं आप सबसे कहना चाहूँ कि मेरा ब्लॉग जा नहीं रहा था, लेकिन अब प्रॉपर जाएगा। जैसे अल्टरनेट में डालती हूँ कि एक दिन डालती हूँ, एक दिन फुल ब्लॉग डालती हूँ, फिर शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, इस तरह से जैसे मैं डालती हूँ डालूंगी। तो आप सब ढेर सारा प्यार दीजिए। और ये देखिए, मैंने बचे हुए दाल का क्या बनाया आज ब्रेकफास्ट में, तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आज से मेरा ब्लॉग आप सभी तक पहुँचेगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो बस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू करती हूँ। ये फ्रेंड्स, रात मतलब रात का दाल था जो फ्रिज में रखा था, देखिए कैसे जम गया है। तो बस चलिए इसका बढ़िया से यूज करते हैं और बनाते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट में कुछ है भी नहीं। ये देखिए लाल मिर्चा मेरे पास थोड़ा, मतलब ये पड़ा क्या था, इसको मैंने सबसे पहले क्रश कर लिया, इस तरह से कूट लिया है। करीब एक कप के करीब मैंने आटा ले लिया है और इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें सरसों का तेल 2 चम्मच, हल्का सा नमक, फिर देखिए थोड़ा सा जीरा और जीरे को इस तरह से क्रश करके जीरा डाल दिया, फिर थोड़ा सा ऑरेगानो, फिर ये देखिए लाल मिर्च जो हमने कूट के रखा था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। और फिर ये दाल, अब इसको इस तरह से दिखाओ, इसको इस तरह से मिला देंगे। फिर देखिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो ये थोड़ा मैंने पानी ले लिया, इसको हल्का हल्का डाल के बस बस। अभी इसको इस तरह से करके इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ये देखिए आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल मुझे इसी तरह से स्मूथ डो चाहिए था। आपकी मैं अब हमको दिखा दें, करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आप सभी को मैं मिलूंगी एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।